संडे और हम आए हैं अभी ऑफिस से और हम लोग रेडी होके निकले हैं। अभी हम लोगों ने प्लान किया है होसूर रोड जाने का। होसूर रोड में जाके कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अभी हम घर से बाहर निकल के क्योंकि आपको पता नहीं मैं लास्ट दो संडे से मैं ऑफिस में रहती हूँ, मेरी थोड़ी हेल्थ भी खराब थी तो उस वजह से भी हम लोग कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, और मेरे को कभी कभी ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो मैं संडे को भी ऑफिस में काम करती हूँ। तो आज मुझे, मैं ऑफिस से आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं जाते हैं, तो प्लान किया अभी होसूर जाने का। बट देखती हूँ अभी यहाँ से मैं जाऊँगी निधि के घर और निधि को पिक करूँगी और उसके बाद जाती हूँ घर। एक्चुअली हम लोग अकेले घूमने के लिए निकले थे तो क्या है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले घूमना, तो मैं निधि से पूछी तो भी जाने के लिए रेडी है तो अच्छा लगेगा, हम सब साथ में जाएंगे। तो अभी मैं निधि के घर जाऊँगी, उसको पिक करूँगी और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट। आगे हम कहाँ जाते हैं आपको बताते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं निधि के घर, उसको पिक करेंगे, वहाँ से निकलेंगे तो मिलते हैं निधि के घर पे। यार अभी तुमने देखा ना, वो साइड में दो बंदे खड़े थे, वो हिल रहे थे, मतलब बीच रोड में आ जाते तो कम से कम ऐसा देखो तो सीटी बजा दिया करो। ठीक है, अगली बार से सीटी बजा देंगे ऐसे। अरे सीटी नहीं बाबा, हॉर्न बोल रही हूँ। तो हम लोग आ गए हैं निधि के घर, हम सब जाएंगे घूमने। अच्छी दिख रही, निधि ने भी स्टाइलिश ड्रेस पहना है, इसके ऊपर जैकेट पहन ली है। हम लोग अभी निकल चुके हैं निधि के घर से, हम चारों, मैं और निधि, और ये छुटकी सो रही है और उधर पीयूष और भैया भी है। हाय करो, ए और पीयूष अभी कार ड्राइव कर, हाय करो निधि। तो अभी कहाँ जा रहे भैया, आप बताओ, भैया का प्लान है? मैसूर रोड का जाने का प्लान था होसूर रोड था, लेकिन अभी हम लोग फिर चेंज करके मैसूर रोड जा रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद हम लोग BTM में हैं और रास्ते में हम लोगों को भूख लगी है तो हम लोग यहाँ पे आए वड़ा पाव खाने। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टॉल है, यहाँ का वड़ा पाव बहुत ही फेमस है, तो हम लोग सोचे पहले हम लोग यहाँ पे वड़ा पाव खा लेते हैं फिर आगे निकले, क्योंकि पता नहीं आगे कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग BTM में ही है और मैसूर रोड जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, तो पहले वड़ा पाव खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। मुझे यहाँ का वड़ा पाव बहुत पसंद है। एक्चुअली जब मैं बोमन हल्ली में रहती थी तो मैं हमेशा डेली आके खाती थी। ये है चीज वड़ा पाव, दोनों पकड़ो। ये दोनों चीज वाला है क्या? हाँ, दोनों चीज वड़ा पाव है। ओके, पकड़ो, रखो सीट पे, रख लो ना। ओके, हम लोग सीट पे रख के स्नैक्स खाएंगे और रास्ते में जब हम नाइस रोड में जाएंगे तो चाय पियेंगे। क्या इसमें आलू है क्या? नहीं, चीज़ और वड़ा पाव है, उसके अंदर आलू ही होगा शायद, पता नहीं, मैं खाई हूँ बट हाँ आलू का ये है ना, उसका चीज़ दिया रहेगा। ये लो, ये भी चीज़ है, रखो, चार लोगों का दो है, तुम्हारा दो मेरा, वाला पकड़ो, प्लेन वड़ा पाव, प्लेन वड़ा पाव। किसका? ये निधि का। एक ही? एक ही बोली, मैं एक ही नहीं, एक ही भैया मैं नहीं कहूंगी। ले बड़ा पाव देख, ये भी डाउट है मुझे। ए मत बोलो, भैया को लेने के लिए बहुत हो गया, मैं नहीं कहूंगी इतना। तो कैसा लगा वड़ा पाव? बहुत अच्छा है। और चाहिए? नहीं भैया, ऑलरेडी मोना चार चार खा चुकी है। हां, पांचवा खा रही है ना? हां पांचवा खा रही हूं। और चाहिए? लिपस्टिक खराब हो जाएगा, इसलिए इतना सारा लाके दिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सस्ती हूं तो। ठीक है, चुपचाप खाओ। क्या हुआ? हम लोग वड़ा पाव खा के आइसक्रीम खा रहे हैं। ए निधि देखो आइसक्रीम ओपन करने में लगी है, वाओ। ये मेरा भी तो कोई ओपन कर दो। पिस्ता? हाँ, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, चॉकलेट, वाओ। अरे ऋषा भी दिखा रही है इसका। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, दिखा दिया तुम्हारा भी। तो हम लोग सभी आइसक्रीम खा लिए, हम चारों आइसक्रीम हम लोगों का फिनिश हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं नाइस रोड, मैसूर से, सॉरी कौन सा रोड जा रहे हैं? मैसूर रोड। हाँ, होसूर से प्लान चेंज होके मैसूर रोड जा रहे हैं। तो बहुत हो रही, बहुत जोर की बारिश, मिलते हैं मैसूर रोड में। जैसे वहाँ से हम लोग निकले, आइसक्रीम खा के बारिश शुरू होगी बहुत जोर की। तो गाइस अभी हम लोग हैं नाइस रोड में और बहुत जोर की बारिश हो रही है और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग धीरे 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 जा रहे हैं, पता नहीं अभी तो हम लोग बस निकले ही हैं, पता नहीं वापस लौट के कब आएंगे, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अभी वापस कब हम लोग लौटेंगे पता नहीं। तो गाइस अभी हम लोग हैं मैसूर रोड में और यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं।
यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, फिर चाय पीने के बाद आगे निकलेंगे। और ईशा का दूध भी खत्म हो गया है और दूध भी हम लोग ले लेंगे। तो गाइस हम लोग अभी रामनगर पहुंच गए हैं। कितनी बारिश हो रही थी, जगह पे एक जगह पे चाय रुकी थी और देखते देखते हम लोग रामनगर पहुंच गए। देखते हैं आगे कुछ मिलेगा तो हम लोग खाएंगे कोई ढाबा या रेस्टोरेंट में और खा के फिर वापस घर जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग हैं मैसूर रोड में और रास्ते में हमें कुछ ढाबा मिला नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक होटल है ताज बिरयानी पैराडाइज, तो यहाँ पे हम लोग आए खाना खाने के लिए। तो पता नहीं यहाँ सिर्फ बिरयानी मिलता है कि और भी कुछ मिलता है, अंदर जाके देखते हैं। और सुबह से मैं बिरयानी खा रहा हूँ, बिरयानी खाने का तो मन है नहीं, बाकी देखते हैं जाके खा लेते हैं। तो शायद फैमिली के लिए ओपन में है। चलो चलो चलो, नीचे में नॉर्मल है। आ बेटा आराम से, पानी है ठीक से। जाना है इस, हमारा खाना आ गया है। ये क्या है, चिकन का क्या है? हैदराबादी होगा, ये चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई और चिकन हैदराबादी। और ये है भैया दाल चा, दाल चा, दाल चा, दाल के घी राइस के साथ दाल है, केरला पराठा और रोटी। ये नहीं नहीं ये खाते, रोटी खाते पहले। के तो खाना कैसा लगा? मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, बिल का मुझे पता नहीं, जब एक्चुअली बिल पता चलेगा कितना का बिल बना है, क्योंकि वो भैया ने पे किया है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी खाना कैसा लगा। बिल था 800 चेंज का, 800 का बिल। खाना बहुत बकवास था, बकवास था, आप लोग कभी मत आना, मैं यही सजेस्ट करूँगी। ये लाइट अच्छा है बट खाना अच्छा नहीं, बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अभी रात के बजे 12 बाहर हम लोग आए थे खाने के लिए बाहर। तो बारिश अभी भी हो रही है तो जल्दी से चलते गाड़ी के पास, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं वापस घर। और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी लगभग 12:30-1 बज रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग को निकलना है और कल ऑफिस भी है। सजेस्ट करूँगी यहाँ पे आके खाना मत खाना, ये देख लो अच्छे से, ये दिखाओ, ये होटल है। खाना बहुत बकवास लगा, मैंने हम लोगों ने खाया वो तो आपको पहले ही बताया, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फुल मनी वेस्ट। कोई नहीं होता, चलो निकलते हैं बाहर, बस सिर्फ प्राइस अच्छा लगा। ठीक है ठीक है चलो। तो गाइस हम लोग खाना तो खा लिए, खाना खा के अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और निधि को आ रही है बहुत नींद, मुझे भी आ रही है, बट मेरी नींद तो डिपेंड करती है छुटकी पे, रिक्शा पे, जब भी सोएगी जब भी मैं सोऊंगी, इसलिए मेरी नींद का तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, यहाँ से जाएंगे घर, फर्स्ट निधि लोग को ड्रॉप करके फिर हम लोग अपने घर जाएंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सिलपुर पे, चाय भी पियेंगे। हाँ अच्छा याद दिलाया भैया ने, सिलपुर पे चाय भी पियेंगे। निधि चाय पीती नहीं है, ठीक है तो मिलते हैं सिल्क बोर्ड में चाय के साथ। क्या कर रहे हो?
कमर्शियल जाके वो फॉर्म वाला देख रही है, बारिश को दिखाओ उसको, पानी देखो सुटके, पानी दिखाओ उसको, देख उधर से जा सकते हो, ज्यादा इजी है क्या, पानी देखो, पानी देखो कितना ज्यादा पानी, दिखाओ उसको पानी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इस वजह से मतलब गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने जो चाय पीने का प्लान था वो हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया है, और ऑलरेडी रात के बज चुके हैं 2, तो हम लोग यहाँ से अब सीधे घर जाने वाले हैं और घर जाके सीधे सो जाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।